आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद तेजस्वी यादव की धन्यवाद यात्रा पर ग्रहण लग गया है। तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद ऐलान किया था कि वो धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव में आरजेडी भले ही सत्ता हासिल नहीं कर पाई हो, लेकिन तेजस्वी लगातार यह कहते रहे कि जनादेश उनके साथ रहा और इसलिए वो अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा करने के लिए बिहार का दौरा करेंगे। नए साल में पटना आने के बाद तेजस्वी ने लगातार अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है। कई अलग अलग बैठकों में उनकी धन्यवाद यात्रा को लेकर रणनीति भी बनाई गई है। माना जा रहा है कि आरजेडी में तेजस्वी की यात्रा को लेकर ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है, लेकिन अचानक लालू यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद इस यात्रा पर ग्रहण लग गया है। धन्यवाद यात्रा को लेकर पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उसके मुताबिक नेता प्रतिपक्ष उन इलाकों से अपनी यात्रा शुरू करने वाले थे जहां पार्टी का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में बेहद खराब रहा। दरअसल तेजस्वी बिहार में एनडीए सरकार बनने के बावजूद भी यह कहते रहे कि राज्य के अंदर मध्यावधि चुनाव होगा। तेजस्वी मध्यावधि चुनाव के लिए अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा। इसी तैयारी के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष धन्यवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन उनकी इस पूरी प्लानिंग पर फिलहाल ग्रहण लगता दिख रहा है। अब तेजस्वी यादव तब तक पटना लौटने वाले नहीं है जब तक लालू यादव की सेहत में सुधार नहीं हो जाता है। फिलहाल लालू यादव दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे हैं और तेजस्वी भी दिल्ली में अपने पिता की सेवा में लगे हैं।